नमस्कार, मैं हूँ ऋतु तिवारी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे पूजा की बहुत ही सरल विधि, जिसे आप आराम से अपने आप अपने घर पर कर सकते हो, बिना किसी पंडित के, बिना किसी और की सहायता से। लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है और बहुत ही सटीक है, तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी और आपका पूजन भी सफल होगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 27 अक्टूबर रविवार को है। हिंदू धर्म में दीपावली से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। इस दिन सभी लोग माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर, इंद्रदेव और सरस्वती जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजन, अर्चन और सत्वन करके उनका आवाहन यानी बुलाना करते हैं और उनसे बुद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन पूजा के लिए पहले से थोड़ी तैयारी की जाती है। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पूजन के लिए किन चीजों की तैयारी आपको करनी चाहिए, जिससे आपके आर्थिक संकट दूर हो सके और आपको विवेक की प्राप्ति हो। तो पूजन सामग्री की लिस्ट इस प्रकार है। दिवाली पूजा के सामान की लगभग सभी चीजें आपको घर में ही मिल जाती है। कुछ जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त चीजों को बाहर से लाया जा सकता है, ये वस्तुएं हैं लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का चित्र या प्रतिमा, पोस्टर या मूर्ति, रोली, कुमकुम, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्तियां, मिट्टी और तांबे के दीपक। 11 या 21 मिट्टी के दीपक एक थाली में रखिए, जिसमें तेल भर दीजिए। पूजा के बाद आप इन्हें जलाइए और अपने घर को दिवाली पर जगमगा दीजिए। आप और भी दीपक लगा सकते हैं, पर पूजा में रखने के लिए 11 या 21 बहुत होते हैं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार रखिए। रुई, जिससे आप दीपक लगाएंगे, कलावा या मौली जिसे कहते हैं, नारियल, पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाते हैं? शहद, दही, गंगा जल, घी और दूध, ये 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जिससे आप, अगर आपके पास मूर्ति है लक्ष्मी गणेश जी की, तो आप पहले पानी से, फिर पंचामृत से और फिर वापस पानी से उन्हें स्नान करवाते हैं। तो पंचामृत जरूरी है। गुड़, धनिया, साबुत धनिया जो होता है, फल, 5 तरह के फल आप ले लीजिए, फूल, अगर कमल के फूल आपको मिलते हैं या उसकी माला मिलती है तो आप जरूर लक्ष्मी जी को चढ़ाइए, क्योंकि ये उनको अति प्रिय है। लाल फूल आप चढ़ाइए और कुछ खुले फूल आप लेके आइए, जो आप गणेश जी को और उन्हें अर्पित करेंगे। जौ, गेहूं, दूर्वा, चंदन, सिंदूर, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, खील बताशे, गंगा जल, अगर आप ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ भी जरूर रखिए, श्वेत वस्त्र, इत्र मतलब सेंट, चौकी, कलश, कमल गट्टे की माला, शंख, आसन जिसपे आप और आपके परिवार के सदस्य बैठेंगे, थाली जिनमें आप पूजा की सामग्री रखेंगे, चांदी के सिक्के अगर आपके पास हैं या आपने धनतेरस पे खरीदे हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप पैसे या कुछ सिक्के भी रख सकते हैं। देवताओं के प्रसाद के लिए मिठाई। अब हम बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। दिवाली की पूजा, सबसे पहले एक चौकी पर सफेद वस्त्र, जो सफेद कपड़ा हमने लिया है, उसको बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी का चित्र या प्रतिमा को विराजमान करें। इसके बाद हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल लेकर उस प्रतिमा के ऊपर छिड़कें। बाद में इसी तरह से स्वयं को और अपने पूजा के आसन को भी जल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करके अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए गंगा जल का आचमन करें। आचमन मतलब सीधे हाथ से पी लें। अब ध्यान और संकल्प करें। मन को शांत करके, आंखें बंद करके मन ही मन सभी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प के लिए हाथ में चावल, पुष्प और जल ले लीजिए, साथ में 1 रुपए या जो भी रुपए का सिक्का आप लेना चाहें वो सिक्का भी रख लें। इन सब को हाथ में लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक व्यक्ति, मतलब आपका नाम, अमुक स्थान जहाँ पर आप रहते हैं और समय पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती तथा गणेश जी की पूजा करने जा रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, आप पधारिए और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए। भगवान गणेश जी को स्नान कराइए और वस्त्र अर्पित करिए।
गंध पुष्प अक्षत अर्पित करिए। अक्षत मतलब चावल। अब देवी लक्ष्मी का पूजन शुरू करें। माता लक्ष्मी की चांदी पारद या स्फटिक की प्रतिमा का पूजन से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिस मूर्ति में माता लक्ष्मी की पूजा की जानी है उसे अपने पूजा घर में सम्मान सहित स्थान दें, यानी कि आसन दें। अब माता लक्ष्मी को भी स्नान कराइए। स्नान में पहले जल से, फिर पंचामृत से और वापस जल से स्नान कराइए। अब माता लक्ष्मी को भी वस्त्र अर्पित करिए। वस्त्र मतलब अगर आपके घर में बड़ी मूर्ति है तब तो आप उनके वस्त्र बना सकते हैं। अगर आप कोई फोटो या पोस्टर पे पूजा कर रहे हैं तो आप मोली को गोल लपेटिए और उसके छोर बंद कर दीजिए, वो भी वस्त्र ही कहलाता है भगवान जी के लिए। तो आप ऐसे भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं अगर आप दूसरे वस्त्र नहीं बनवा सकते हैं तो। वस्त्रों के बाद आभूषण पहनाइए, पुष्प माला पहनाइए, सुगंधित इत्र अर्पित करिए। इत्र यानी सेंट की शीशी हमेशा आपको लक्ष्मी जी के पास रखनी ही चाहिए। आप एक सेंट की शीशी लाइए और खोलकर अपने पूजा घर में जरूर रखिए। ये माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। अब सभी देवताओं को गणेश जी से शुरू करके कुमकुम का तिलक लगाइए, धूप और दीप अर्पित करिए, 11 या 21 चावल भी अर्पित करिए। अब घी का दीपक जलाइए, कोशिश करिए कि ये रात भर जला रहे। अब भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की आरती करिए। आरती के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणेश जी और माता लक्ष्मी की आरती लिख दूंगी। आरती के पश्चात आप मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान जी को बताइए। नैवेद्य अर्पित करिए। महालक्ष्मी पूजन के दौरान और पूरे दिन आप ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का हमेशा जप करते रहिए। माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और कनक धारा स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण होती है। पूजा पूर्ण होने के बाद माँ से जाने अनजाने हुए सभी भूलों के लिए आप क्षमा प्रार्थना जरूर कहें। उन्हें कहें, माँ ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता। हे परमेश्वरी मुझे क्षमा करो। मंत्र क्रिया और भक्ति से रहित जो कुछ पूजा मैंने की है, हे देवी वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। यथा संभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो ये पूजन किया है उससे आप भगवती श्री लक्ष्मी प्रसन्न हो। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी को और सभी देवताओं को प्रणाम कीजिए। अपने परिवार जनों को भी कुमकुम का तिलक लगाइए। तो इस सरल विधि से आप अपनी प्रभावशाली पूजा कर सकते हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दिवाली हम सबके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को टैप करिए जिससे कि हम मिल सके और नए वीडियोज में। धन्यवाद।